हमारे लिए बाढ़ भी एक अभिशाप बनता चला और ये बाढ़ देन किसके है तो मान भी आपका, या तो रोने पर मजबूर हो गए या तो जानवर की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर। 2,98,000 करोड़ रुपया लूटा है लोगों ने। सबसे पहले तो फड़का तोड़ने की का जो सवाल है, ये दोनों सरकार दिल्ली पटना एक ही सरकार, या तो आप फड़का का निर्माण करिए, नए फड़का की कल्पना करिए, या जिस तरीके से गंगा में या कोसी में या महानंदा में या गंडक में बलान में भूखी बलान में शहर में जिस तरीके से गाद जम चुकी है, गंगा जितनी ऊंची हो चुकी है, ये 2-4-5 सालों के अंदर तो नष्ट नाबूद कर दूर दूर तक सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक आदमी नहीं मिलेगा किसी। यदि 10 साल के अंदर हम फरक्का को हटाने की कल्पना नहीं कर पाए तो बिहार बचेगा क्या? भीमनगर बैरेज का यदि चौराकरण नहीं हुआ, जिस पर गाद का सबसे ज्यादा प्रेशर है, तो फिर सीमांचल और कोसी और का जो ये पोर्शन है खगड़िया, इस ये बचने की आप उम्मीद करते हैं क्या? और सरकार लगातार जिस तरीके से हर साल, हम तो सरकार से चाहेंगे 40 साल हम लोगों ने जिंदगी कैसे जी है, कोसी सीमांचल मिथिलांचल के 38 जिला हर दिन या तो रोने पर मजबूर हो गए या तो जानवर की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। और गरीबी का सबसे बड़ा कारण और बीमारी का सबसे बड़ा कारण हमारे लिए बाढ़ भी एक अभिशाप बनता चला है। और ये बाढ़ देन किसके है तो मान भी आपका, 2,98,000 करोड़ रुपया लूटा है इन लोगों ने। ये 15 साल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लड फाइटिंग के नाम पर बिल्कुल अलग है, अस्पर बनाने के नाम पर आपने लूटा, फिर बांध बनाने के नाम पर आपने लूटा। हर साल कहते हैं कि बांध पक्का है और हर साल 30 से 40 बांध टूट जाता है। क्यों भाई? हर साल बांध पक्का हो जाता है, हर साल बांध टूट जाता है, ये कैसे? और जिस बांध की उम्र हो गई 20 साल पहले पूर गई, वो बांध का नव निर्माण क्यों नहीं किया गया, पक्काकरण क्यों नहीं किया गया? और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आए इस इलाके में, सारी कंपनियां हजारों हजार करोड़ रुपया यहां से लूट के चली गई नेताओं के बदौलत। तो हम तो इसको पीआईएल के लिए कई बार हम सुप्रीम कोर्ट में भी कहे थे कि इसकी पूरी इंक्वायरी की आवश्यकता है। 30 सालों से जिस तरीके से हम लोग लाखों लाख करोड़ रुपया बर्बाद हुआ है और वो आम लोगों का लूटा गया और जिंदगी धीरे धीरे नासूर होती चली गई, उसके बाद राहत के नाम पर आप पूरा लूट लेते हैं, आपके पदाधिकारी लूट लेते हैं। राहत का पैसा मेरा ही होता है, मेरे ही पैसे से आप राहत देते हैं, वो भी अरवा चावल की खिचड़ी 2-4-10 दिन खिचड़ी खिला करके, और वो भी कुछ जगहों पर, एकाध पंचायत 2 पंचायतों में कभी काल 2-3 दिन। लेकिन जो फसल क्षतिपूर्ति, पशु क्षतिपूर्ति, घर क्षतिपूर्ति का क्या होगा? हम कर्ज में कर्ज लाते चले जाते हैं। मेरा सवाल बाढ़ से निजात का है, मेरा सवाल नदियों की जिंदगी बेहतर करके आम आदमी की जिंदगी बेहतर करना।